हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चने की चाट। देसी जो काले वाले चने आते हैं उसकी चाट, इसको आप बघारे चने भी बोल सकते हैं। ये खाने में जितने टेस्टी होते हैं उतने ही ये न्यूट्रिशन से भरपूर रहते हैं। जो बच्चे जिमिंग करते हैं उनको विशेष तौर पर बोला जाता है चने खाने के लिए, और बच्चे जो ऐसे नहीं खाते हैं गला के, अगर आप इस तरह से उसकी चाट बना के देंगे तो बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या सामग्री लिए। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम देसी चने लिए हैं, इनको मैंने 8 से 10 घंटे के लिए गला दिया था। और फिर मैंने एक सीटी ले ली है, कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर, एक या दो आप जितनी लेना चाहें, वैसे तो गल जाते हैं तो आराम से पक जाते हैं। मैंने दो सीटी ले ली है और पानी निकाल लिया इसका। एक बड़ा प्याज कट किया है, एक टमाटर कट किया है, नींबू लिया है मैंने आधा, हरी मिर्च ली है एक कट कर ली, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। मसालों में हम यहाँ पर एक पिंच मैंने हींग ली है, 1/4 चम्मच जीरा लिया है, एक छोटी चम्मच पिसी मिर्च, एक ही चम्मच पिसा धनिया, आधी चम्मच हल्दी और एक छोटी चम्मच नमक लिया है। साथ ही हमको ऑयल लगेगा, एक चम्मच मैंने ऑयल लिया है भगाने के लिए। तो चलिए हमारे देसी चने हम भगाते हैं। ये देखिए पैन में मैंने तेल चढ़ा दिया है, तेल हम एक चम्मच लिया है मैंने, और ये थोड़ा गर्म हो चुका है। इसमें हम हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे, साथ ही हरी मिर्च डालेंगे। इनको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा मैंने अमचूर नहीं लिया है, मैंने उसकी जगह पर टमाटर और नींबू लिए हैं। ये ज़्यादा टेस्टी रहते हैं और हेल्थ के हिसाब से भी अच्छे रहते हैं। इस तरह से आप बच्चों को बना के देंगे या आप भी नाश्ता के तौर पर, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। अगर हम सिर्फ उबाल के चने और उसमें नमक मिर्च मसाले मिला के खाते हैं तो इतने अच्छे नहीं लगते हैं, और अगर इस तरह भगा के खाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। प्याज हमारे सिक चुके हैं, इसमें मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर में थोड़ा सा पकाएंगे, इसी में हम पिसी मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया ऐड करेंगे, साथ ही नमक भी डालेंगे। आप चाहें तो नमक जिस टाइम चने बॉईल करते हैं उस टाइम भी डाल सकते हैं। बहुत जल्दी बनते हैं चने और बहुत टेस्टी लगते हैं, प्लस हेल्दी तो नहीं, क्योंकि चने बहुत प्रोटीन से रिच होते हैं। ये बहुत हेल्दी नाश्ता माना गया है। थोड़े से मसाले हमारे भून गए, फिर इसमें हम चने ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर, प्याज और मसाले सिक चुके हैं, इसमें हम चने ऐड करेंगे। देखिए चने हमारे पक चुके हैं, अच्छे से मिक्स कर लिए मैंने। हमने गैस ऑफ कर दी, गैस ऑफ करने के बाद हम नींबू डालेंगे। नींबू हमेशा गैस ऑफ करके डालना चाहिए। इसको मिक्स करते हैं। इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे देसी चने की चाट रेडी है, बहुत ही अच्छे बने हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे देसी चने की चाट बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत स्पाइसी और टेस्टी। आप भी ऐसे ही बनाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।